बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें और ऐसी 50 खबरें आज लेकर आया हूँ जिनको जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी 50 खबरें आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो करते हैं सबसे पहली बड़ी आज की खबर से, और आज की पहली खबर है यूपी के 72 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज़, इस आदेश से कम जाएगा बिल। आपको बता दें यूपी के 72 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं को भी कनेक्शन सिक्योरिटी के रूप में जमा राशि पर जो करीब 130 करोड़ रुपए का ब्याज का लाभ मिल सकेगा, और इस आदेश से बिल कम जाएगा, जो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ है। पढ़ लीजिएगा और अच्छे से खबर पढ़ना चाहो, बिजली बिलों में दी जाएगी ब्याज की धनराशि, वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है ये, मतलब ब्याज मिलेगा आपको, अच्छी बात है ये। तो चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया हुआ, चार धाम पर फ़ोन हुआ बैन, बस अब इतनी ही दूरी तक चल सकेगा फ़ोन। जी आपको बता दें लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया कर दिया है। जी हाँ, चार धाम की यात्रा में 2024 से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप यात्रा पर निकले हैं या फिर रास्ते में, तो एक बार ये खबर जरूर पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, प्रशासन ने ये ऐलान कर दिया, जिसमें कोई एक हल निकालने की कोशिश की है। जी हाँ, अभी कल तक 2 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है, और अब यहाँ आने वाले तीर्थार्थियों का जो फ़ोन भी बंद करवा दिया जाएगा। जी हाँ, जान लें कहाँ कहाँ फ़ोन यूज़ कर पाएंगे। ये चार धाम की जगह है, आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर मोबाइल बंद कर दिया गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के मंदिर के अंदर अब श्रद्धालु मोबाइल नहीं चला सकेंगे। जी हाँ, और ले जा नहीं सकेंगे, और चारों धामों में मोबाइल के जो अंदर 50 मीटर की जो रेंज में मोबाइल लाने पर बैन लगा दिया गया है, जो वाकई में कुछ हद तक लोग सही मानते हैं कि वहाँ पर लोग फ़ोटो खींचते हैं, रील्स बनाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है इसी वजह से। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट्स में बताइएगा, और हाँ, इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा लाइक तो बनता है, आज लाइक कर दो अभी। आप सब, आपसे यही निवेदन है। चलिए तब तक बात करते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रेन आती देख रेलवे ट्रैक पर लेट गया युवक, देखते ही देखते ऊपर से गुजर गए 4 डब्बे। जी आपको बता दें यूपी के उन्नाव में शुक्रवार शाम जान देने के इरादे से लखनऊ कानपुर रेलवे के ट्रैक लेटे युवक को देख राप्ती सागर एक्सप्रेस के चालक ने ट्रेन रोकी, पर तब तक उसके ऊपर से 4 डिब्बे गुजर गए। जी आपको बता देना चाहते हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं, और अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें जानकारी पर सदर कोतवाली पुलिस ने पहुँच कर युवक को हिरासत में ले लिया। उधर ट्रेन रुकने की जानकारी पर GRPF व RPF भी पहुँच गए, परिजनों को भी सूचना दी गई। और आपको बता दें काफ़ी देर तक ट्रेन जो ट्रैक पर था क्रॉसिंग के पास पहुँचा, और काफ़ी देर तक ट्रैक के किनारे घूमता रहा, और इसी बीच में कानपुर से गोरखपुर जा रही राप्ती सागर एक्सप्रेस आती देख वह ट्रैक के बीच में लेट गया। चालक की जब तक नज़र पड़ी वह इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकता, तब तक युवक के ऊपर से 4 डब्बे निकल चुके थे। लोको पायलट ने नीचे बैठे ऋषभ को समझा कर ट्रैक से बाहर निकाला। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, और उसके बाद अब आगे की हिरासत में ले लिया गया युवक को। आगे की जानकारी जो भी आती है आप एक बार इसे पढ़ लीजिए, पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो, ठीक है। चलिए इसी के बाद बात करने के लिए बड़ी खबर, बुलडोजर कहाँ चलाना है, इसका ट्यूशन योगी जी से ले सपा कांग्रेस को पीएम मोदी की नजर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले अगर सपा और कांग्रेस सत्ता में आती है तो रामलला फिर से तंबू में होंगे और वे राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। उन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए कि कहाँ बुलडोजर चलाना है और कहाँ नहीं, ऐसा उन्होंने बताया मोदी जी ने। बाकी और डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी यूपी के अंदर कितना बदलाव आया है आदित्य योगीनाथ आने के बाद में, आप मुझे एक बार बता सकते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, उसमें आपको बताऊंगा आज 10 बिजनेस आइडिया। जी हाँ, 10 बिजनेस आइडिया, मतलब हमेशा से बताते आ रहा हूँ मैं, तो आज ये और नया बिजनेस आइडिया है। 10,000 रुपये में घर से शुरू करें, यह 12 महीने तक चलने वाला है बिजनेस, हर महीने है आंधी कमाई। जी हाँ, इस बिजनेस में काफ़ी कमाई इसलिए है, ये बिजनेस बहुत अच्छा है अगर आप लोग टिफ़िन सेंटर खोल लेते हैं। जी हाँ, टिफ़िन सर्विसेज बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, और ये बिज़नेस कॉलेज के सामने चल सकता है, नौकरी पैसे वाले लोग रहते हैं जहाँ पे उनके पास चल सकता है, और अच्छा खाना अगर आप बना कर देते हैं तो 10,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इसमें भी आप अच्छी वैरायटी दे सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी वैरायटी अगर आप दोगे तो डेफिनेटली लोग इसे खाएंगे, क्योंकि जिनके पास पैसा अच्छा है लोग इतना पैसा देने के लिए कभी भी हिचकिचाते नहीं, और आप आराम से इससे महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हो, और आप चाहो तो 3-4 हज़ार रुपये में महीने के लिए टिफ़िन खोल सकते हो, जो बच्चों के लिए है, एंड जो आसपास में कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसी के बाद अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, सिंगापुर और हांगकॉन्ग के बाद अब नेपाल ने भी MDH और एवरेस्ट के मसालों पर लगाया बैन, ब्रिटेन ने शुरू की जाँच। आपको बता दें सिंगापुर और हांगकॉन्ग के बाद नेपाल के भी 2 भारतीय मसालों एवरेस्ट और MDH पर बैन लगा दिया गया है। जी हाल ही में काफ़ी सारे मसालों पर बैन लगाया गया है, नेपाल ने यह कदम MDH और एवरेस्ट के मसालों में हानिकारक कीटनाशक मिलने के आरोप के बाद उठाया, और इसकी खपत, बिक्री और आयात पर बैन लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के खाद्य और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड
के लिए दो भारतीय ब्रांडों के मसालों की जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इनसे सही नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन हाँ लोग इसे बड़े चाव से खा रहे हैं, तो इन्हीं का लाइसेंस रद्द होने का डर है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा, अभी के लिए बैन लगा दिया गया है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, गुड न्यूज़ है। जी हाँ, बाड़मेर से कच्छ तक 490 किलोमीटर लंबा बनेगा वाटर वे, कार्गो शिप भी चलेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि विभागीय अधिकारियों के मुताबिक कच्छ का रण से बाड़मेर तक बनने वाली वाटर वे की चौड़ाई करीब 100 मीटर तक रखी जा सकती है और गहराई लगभग 4 मीटर तक होगी। 3000 टन क्षमता के कार्गो शिप यानी जो वेसल्स हैं चल सकेंगे और इसके जरिए सामान का जो आवागमन है वो सड़क मार्ग के मुकाबले सस्ता होगा। मतलब ये पानी से होने वाला है तो ये सस्ता होगा, पानी से आयात होगा, ठीक है, इधर से उधर कोई सामान ले जाना है तो। बाकी डिटेल में पढ़ना हो तो अब यहाँ से पढ़ भी सकते हो। इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, मोदी की फ़ोटो वाली टी शर्ट और नमो नंबर प्लेट की बाइक शाम रंगीला ने कबूला, 2016 तक भी वो ट्रोलर्स के बारे में ट्रोलर्स थे। जी हाँ, नामांकन रद्द होने के बाद श्याम रंगीला ट्रोल होने लगे हैं। जब उन्होंने ट्रोलर को जवाब दिया तो एक खुलासा भी कर दिया। श्याम रंगीला ने कहा कभी वह भी ट्रोलर थे, 2016 से पहले वह खुद लोगों को ट्रोल करते थे, ऐसा उन्होंने बताया। जी हाँ, आप एक बार पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पोस्ट करके अपने बारे में इसके बारे में पूरी डिटेल को पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, जल्दी बिकने वाला है हल्दीराम का पूरा कारोबार, 70,000 करोड़ लगी है कीमत। आपको बता देना चाहते हैं हल्दीराम का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस आपको होता है भुजिया के क्षेत्र में। जी हाँ, हल्दीराम का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, हम उसी हल्दीराम की बात करें जिसकी आपने भुजिया मिठाई काफ़ी चीज़ें खाई हैं और हल्दीराम काफ़ी बड़ा ब्रांड है जिसमें भुजिया के लिए तो सबसे फेमस है। जी हाँ, तो जल्दी बिकेगा हल्दीराम का भुजिया हर जगह पर, और अच्छे से पढ़ना चाहो तो यहाँ पर पोज करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर, अनुच्छेद 370 की जो दीवार थी उसे कब्रिस्तान में गाड़ दिया, चुनावी रैली में खूब गरजे पीएम मोदी। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा कि ये निराशा के गर्त में डूबे वो लोग हैं जिनको अनुच्छेद 370 को उठाना भी असंभव लगता था, आज हमारी आंखों के सामने अनुच्छेद 370 की जो दीवार है उसे हमने कब्रिस्तान में गाड़ दिया, ऐसा कुछ कहा मोदी जी ने। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, शनिवार को खुले रहेंगे स्टॉक मार्केट, NSE BSE में होगी ट्रेडिंग, सभी शेयरों की सर्किट लिमिट भी तय। जी आपको बता देना चाहते हैं आज के दिन में अगर आप करते हैं, ठीक है, यानी कि आज के दिन में 18 मई को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर और इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में 18 मई को जो बात की जाए स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप पर लिंक डिवाइस से चैट पर लगा पाएंगे लॉक, टेस्टिंग के बाद जाने कैसे काम करता है ये ऐप, ये नया फीचर। आपको बता दें व्हाट्सएप द्वारा यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए वक्त वक्त पर कई फीचर्स लाए हैं, जिसमें अभी से मैसेजिंग ऐप ने जो सबसे बड़ी चीज़ यूजर्स को लिंक डिवाइस पर चैट लॉक करने का फीचर दिया, जानिए कैसे कर सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो एक बार इसे पोज करके पढ़ लेना, आप समझ जाओगे कि कैसे लॉक लगा सकते हैं। ये एंड्रॉयड में था लेकिन अब हाँ ये एंड्रॉयड में भी आ चुका है, और वहीं पे अगर बात की जाए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे, आपकी चैट एकदम और सुरक्षित रह पाएगी, सेफ़ एंड सिक्योर चैट रहेगी, है कि नहीं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, सिंगापुर और हांगकॉन्ग के बाद अब नेपाल ने भी MDH के मसालों को लगाया पूरा का पूरा बैन, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। जी हाँ, ये काफ़ी बुरी बात है उनके लिए मसालों के लिए, लेकिन हाँ ये समस्या की बात तो आने ही वाली है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें उत्तर प्रदेश की, तो कैसी बताइए आपको खबरें लग रही हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।